अरे तुमने बताया नहीं कि हुआ क्या? अरे होना क्या था? बस वो लालची बेवकूफ औरत ने अपने घर के कागजात दे दिए। मैंने अपने बंदे को जाली बिल्डर बनाकर उसको 10 लाख रुपए दिए और उसे ओरिजिनल घर के कागजात ले लिए। मतलब कि तुमने 10 लाख रुपए दे दिया उसको? अरे माम, उसकी फिक्र नहीं करी, बस समझो बेटा 10 लाख है ना, वो जहेज की सूरत में वापस आ जाएंगे और उसके साथ 7 करोड़ का घर भी। पर तुम तो कह रहे थे कि तुमने शादी करनी ही नहीं है। मॉम प्लीज, एक काम होने थे, वैसे एक बार रिकवर हो जाए मैं छोड़ दूंगा उसको, उसमें क्या बड़ा मसला है। और वैसे इनकी आपस में बनती नहीं है, और कौन सा उसके बाप को बीच में आना है। मगर तुम जो भी करो ना, बहुत देखभाल कर करना प्लीज। अरे हाँ मम्मा, ये लो, हो गया काम। हाँ मिनाज, पेपर्स की वेरिफिकेशन हो गई? अरे सर, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा सर, कागज ओरिजिनल नहीं है, वो स्कैन कॉपीज हैं। ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सर, उस दिन तो ओरिजिनल नजर आ रहे थे और आपने कहा था सर मेरी वहां शादी होने वाली है, इस वजह से सर ज्यादा ध्यान मैंने भी नहीं दिया। क्या हुआ? वो पेपर्स जाली निकले। तुमने तो 10 लाख रुपया दे दिया उनको। मॉम उसकी टेंशन नहीं ले, वो तो मैं उसे निकलवा ही लूंगा। हेलो, सलाम अलैकुम बेटा, कैसे हो? बड़ी लंबी उम्र है, मैं अभी आप ही का सोच रही थी। खबरदार जो मुझे बेटा का चालाक मक्कार औरत। किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हो? वही जबान जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी? जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही हो वहीं पे फ्रॉड। कैसा फ्रॉड? मैंने क्या किया है? चुप, ये घटिया ओवर एक्टिंग कोई तुमसे सीखे। मेरे एतबार का फायदा उठा के जाली पेपर्स दे दिए। मेरी बात सुन, वो रकम संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ लेने आज इसी वक्त, मुझे आज ही चाहिए। बेटा मुझे नहीं पता था कि जाली है, मैंने तो जो जो सही समझा मैंने आपको दे दिए। अच्छा हुआ कि आपकी असलियत जल्दी सामने आ गई, मुझे तो पहले ही शक था, जो सवाल करो गोलमोल जवाब देती थी आप। अब संभाल के रखो अपनी उम्र रसीदा बेटी को अपने घर पर, समझी? यकीन मानिए, सुने सुने मेरे हेलो। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें फॉरेन पैसे डलवा दो। आज ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, इसके बाद ना मैं तुम्हें कभी फोन करूंगा ना तुम मुझे, क्योंकि अब ये नंबर बंद होने जा रहा है। और हाँ, बेफिक्र हो जाओ, नूर का तो मैंने अब पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया है। जहाँ मैंने उसे छोड़ा है वैसे अब वो मरी भी वापस आएगी। ये चाहती थी ना तुम? हेलो ये क्या करेगा नूर को? मैंने ये तो नहीं चाहता। आए क्या करूं, क्या करूं?